हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे से बिस्किट बनाना बताएंगे, जो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी बेकरी जैसा बिस्किट रहेगा। तो हम अभी बनाते हैं। इसके लिए हम 1 कप गेहूं का आटा लिए हैं। इस कप से ही सब नाप कर लेंगे सब कुछ, और इससे आधा कप बेसन लेंगे। आधा कप बेसन है, इसको दोनों को छान लेते हैं। आटे और बेसन को छान लेते हैं अच्छे से। आटे और बेसन को छान लिए हैं, अब सबको हम मिक्स कर देंगे दोनों को अच्छे से। इसमें हम 4 चुटकी नमक डाल देंगे, बहुत भर भर के नहीं, 4 चुटकी नमक डालकर इसको मिक्स कर देंगे। इसमें अभी हम इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर लिए हैं, इसको डाल देंगे इसमें, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम 3/4 कप उसी कप से 3/4 लिए हैं चीनी, जो मिक्सी में पीस लिए हैं, पिसा हुआ चीनी है। इसके जगह मिश्री भी ले सकते हैं पीस कर, इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम 1/4 कप घी लेंगे, जो जमा हुआ घी होना चाहिए, पिघला हुआ घी बिल्कुल नहीं लेना है। इस तरह का घी लेना है, देखिए इस तरह का घी लेना है, और इसी से आटा गूंदना है। इसमें पानी और ये दूध बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना है, इसी से आटा को गूंथ लेना है। अगर घी थोड़ा और लगेगा तो और डाल देंगे घी, लेकिन घी से ही गूंथना है आटे को। अपने घी में थोड़ा इस तरह से अच्छे से नहीं बंधा रहा है, तो थोड़ा 1 चम्मच घी और डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बांध लेंगे अच्छे से। इस तरह से देखिए इसको बांध लिए हैं। अब हम कढ़ाई में बनाएंगे, इसलिए कढ़ाई को प्रीहीट के लिए रख देंगे, स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट के लिए ढककर रख देंगे कढ़ाई को। अभी हम बिस्किट बनाने के लिए 1 प्लेट लिए हैं, जिसमें सिल्वर पेपर लगा लिए हैं। इसी तरह से सिल्वर पेपर लगाकर ही बनाएं। अब हम बिस्किट बना लेते हैं।
बिस्किट एक चम्मच कोई ले लें और उसके नाप से सारा बिस्किट को बिस्किट बनाएं इस तरह से, इतना ऐसा साइज ले लें तो एक साइज का बनेगा सारा बिस्किट। और देखिए बिस्किट का कोई भी साइज दे सकते हैं, गोल ही हो या चौकोर हो, कोई भी साइज का बना सकते हैं बिस्किट। इस बिस्किट को हम प्लेट पर इस तरह से रख कर बनाएंगे, ये इस साइज का बनाएंगे बिस्किट, और इसमें इस तरह से निशान लगाएंगे पूरे में। और इसको किनारे से अच्छा शेप देने के लिए इसको काट लेंगे। इस तरह का इस साइज का बना लेते हैं सारा बिस्कुट। इस पर इस तरह रखते जाएंगे। इस तरह से इतने बिस्किट बना लिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा दूध लिए हैं और इसमें एक चम्मच चीनी मिक्स कर देंगे इसमें, और ब्रश या किसी भी चीज़ से ब्रश की सहायता से इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। ये दूध चीनी वाला दूध को इस तरह से लगा देंगे सर में। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। अब हम बना लें कढ़ाई को। प्रीहीट होते हुए 10 मिनट हो गया है और ये कढ़ाई प्रीहीट हो गया है। इसको जल्दी से डालकर इसको ढक्कन जल्दी से बंद कर देंगे नहीं तो, और इसको 20 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे। पकते हुए 20 मिनट हो गया है। अब हम चेक कर लेते हैं एक बार, पहले नहीं चेक करना है। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम गैस को बंद करके इसको निकाल लेंगे। इस प्लेट को निकाल लिए हैं। अब हम इसको ठंडा होने देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये कैसा बना है। देखिए हमारा सारा बिस्कुट तैयार हो गया है। ये बहुत टेस्टी बिस्किट बना है। देखिए इधर से भी कितने अच्छे से पक गया है। हम कुछ बिस्किट को ओवन में बनाए हैं। ओवन में भी बनाना बहुत ईजी है। अगर कोई चाहे ओवन में बनाना तो कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री पे 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें, और बेक करने के लिए 170 डिग्री पे 10 मिनट के लिए इसको बेक करें तो ये बिस्किट तैयार हो जाता है। जो डार्क हो रहा है ऊपर से, ये ओवन में बनाए हैं और ये कढ़ाई में बनाए हैं। ये
ये सारा कढ़ाई में बनाए हैं। ये देखिए ये ओवन में बना है और ये बिस्किट बहुत ही खस्ता बनता है। देखिए अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे से पका हुआ है बिस्किट। ये देखिए कितना टेस्टी बना है ये बिस्किट। अगर हमारा रेसिपी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये बिस्किट ही बहुत ही टेस्टी बना है।